हेलो एवरीवन, और स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं भाई इस हुंडई एक्स्टर के बारे में। ठीक है, रिसेंटली कुछ टाइम पहले हमने क्या कहते हैं इसका जो टॉप मॉडल है वो कवर कर लिया था। इवन जो उसका एसएक्स मॉडल था वो भी हम कवर कर चुके हैं। उसका जो सीएनजी मॉडल आता है वो भी हमने कुछ टाइम पहले डाला था। ठीक है, ऊपर के मॉडल हम कवर कर चुके हैं। नीचे मॉडल की बात करते हैं, क्योंकि हर कोई ऊपर के मॉडल नहीं था, नीचे की हम बात करेंगे। और इसमें खास बात यह है कि ये नीचे के मॉडल के साथ साथ इसमें सीएनजी की किट लगी है, क्योंकि ये जो मॉडल आप देख रहे हो ये इसका एस मॉडल है। ठीक है, थर्ड बेस मॉडल इसको हम कहेंगे। नीचे आपका ईएक्स मॉडल आता है, फिर उसके ऊपर आपको एस मॉडल मिलेगा, फिर ऊपर एस ऑप्शनल, एसएक्स वगैरह वगैरह जो है वो चीजें मिलती है। तो यहीं से हम शुरुआत करेंगे। तो ये देखो, अब यहाँ पे मुझे टाटा का एक प्लस पॉइंट लगता है काफी बड़ा, क्योंकि वहां पे ट्विन सिलेंडर जो आ चुका है, जिस वजह से क्या है आपको अच्छी खासी सीएनजी मिल जाती है। दूसरा, स्पेसिंग भी अच्छी मात्रा में मिलती है, क्योंकि सीएनजी गाड़ियों में यही होता है कि देख सकते हो आप बूट स्पेस बिल्कुल नहीं रहती, तो सामान कहाँ रखेगा बंदा। इसमें पार्सल ट्रे तो ऊपर आप लगेज रख लोगे, लेकिन उतना सारा सामान नहीं आ पाता। तो हुंडई भी अगर अपनी गाड़ियों में ट्विन टेक्नोलॉजी लाना शुरू कर दे, क्योंकि इनकी गाड़ी में बूट स्पेस अच्छी होती है, अगर इसकी सीएनजी की ढटाएं तो इस कार में आपको 391 लीटर की बूट स्पेस मिलती है, जो कि काफी बढ़िया है। अच्छा खासा स्टफ इसके अंदर आप कैरी कर सकते हो। तो वो टेक्नोलॉजी यहाँ पे आ गई तो बड़ा ही मजा आएगा इसमें। ठीक है, थोड़ी बहुत स्पेसिंग है तो यहाँ पे ऊपर रख लोगे, थोड़ा बहुत नीचे यहाँ पे आप सामान इसमें कैरी कर सकते हो। अब इस एस मॉडल में देखें तो पीछे कोई डिफॉगर वाइपर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ें हैं। पार्किंग सेंसर्स यहाँ पे आपको मिलते हैं दो, नीचे आप देख सकते हो। कैमरा नहीं आता है इस मॉडल में, लेकिन पीछे आपको इस एच शेप में यहाँ पे पीछे की टेल लाइट मिल जाती है। ब्लैक कलर का यहाँ पे थोड़ा सा ये ट्रीटमेंट हो रखा है हुंडई का लोगो, प्रीटी मच बेसिक है यहाँ पे। ठीक है, हाइट अच्छी है लेकिन कार की, तो अंदर आपको हेडरूम स्पेस बढ़िया मिल जाएगी। साइड की तरफ को आएंगे तो यहाँ पे काफी सारा प्लास्टिक यूज हो रखा है, जैसे व्हील आर्चरिंग के, और जो नीचे व्हील है वो भी आपको आपको स्टील रिम मिलते हैं व्हील कैप के साथ। 185 mm का यहाँ पर आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो मिल जाएगा, तो छोटे मोटे गड्ढों में, उबड़ खाबड़ रास्तों में कार इजिली चली जाएगी। इंडिकेटर आपको बॉडी में इस तरह से लगे हुए मिलेंगे। और फ्रंट में आएंगे तो ये देख लो भाई, फ्रंट में फ्रंट का लुक कुछ इस तरह से। हैलोजन लाइट्स यहाँ पर आपको मिलती है, और जो यहाँ ऊपर डीआरएल है ये भी आपको इस तरह से एच शेप में मिलेंगे। इनको मैं जरा जला के दिखाता हूँ आपको। ये देखो भाई, इस तरह से यहाँ पे आपकी काफी बड़ी हेलोजन में लाइट है, ऊपर आपकी इस तरह से डीआरएल मिल जाएंगे। डीआरएल की वजह से एक अच्छा लुक आया था, अगर डीआरएल नहीं होता ना यहाँ पे तो ये आगे का लुक उतना अच्छा नहीं होता। और पीछे देखो, ये इस तरह से पीछे भी यहाँ पे जो एच शेप में है ये इस तरह से बना होता, तो पीछे का लुक भी इस तरह से नई टाइप की जो लाइट्स आ रही है इनसे काफी अच्छा लगता है गाड़ियों का। और इंजन में देखें तो वही हर मॉडल की तरह इसमें भी वही पावर फिगर आपको मिलेंगे, 82 bhp और 113 Nm ऑफ टॉर्क मिल जाता है। ठीक है, 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है, कापा पेट्रोल भी इसको आप कह सकते हैं। और माइलेज की बात करें तो यहाँ पे कंपनी 19.5 का, मतलब 20 का माइलेज मिल जाएगा आपको हाईवेज में इस कार से। 37 लीटर की इसमें आपको जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो मिलती है। अब इंटीरियर में चलते हैं तो अब ये देखें कुछ इस तरह से यहाँ पे जो कार का इंटीरियर है वो मिलेगा। अब सीएनजी मॉडल है तो यहाँ पे हर सीएनजी कार में ये है कि आपको इस तरह से जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो मिलेगा, ऐसे हमेशा को ड्राइवर की सीट के नीचे। ये सेफ्टी नॉर्म है, ये होना ही होना चाहिए, नहीं तो कंपनी को काफ़ी भारी पेनल्टी पड़ जाती है। अब यहाँ पे हम वही डैशबोर्ड की बात करेंगे तो ये देखें इस तरह से नॉर्मल सा इंटीरियर है, जैसा आपको पहले नियोस में आता है, अभी भी आता है वैसे इंटीरियर आपको मिल रहा है। वैसे स्टीयरिंग व्हील आपको मिलेगा, माउंटेड कंट्रोल्स आपको मिलते हैं, वॉइस कमांड मिल रहा है। और ये बात चलेगी कि जो ट्रिप मीटर, जो स्पीडोमीटर है वो आपको डिजिटल मिल रहा है, ये मुझे बढ़िया लगा काफ़ी। यहीं से आप जो इन्फो है वो जान सकते हैं। और इसके अंदर भी वही फीचर्स मिल जा रहे हैं जैसे आपको जो वेन्यू में मिलते हैं। सामने जो मॉडल है वो उसका नाइट एडिशन है, जो फीचर उसमें है और क्रेटा में मिल रहे हैं वो सभी इस मॉडल में भी मिल जा रहे हैं, तो ये काफ़ी अमेजिंग बात है। डोर को ज़रा क्लोज करते हैं। हाँ, तो मैं कहाँ था, सेफ्टी की बात करें तो इस एस मॉडल में भी आपको 6 एयरबैग्स मिलेंगे। देख रहे हो यहाँ पर एयरबैग इस तरह से बना हुआ है, 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं। हिल डिसेंट कंट्रोल छोड़ के इसमें भी आपको और फीचर मिल जाएंगे, जैसे ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको मिलेगा। ये देखो यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ये देखें टायर प्रेशर लिखा हुआ है, तो इस तरह के फीचर्स भी इसमें मिल जा रहे हैं। एंड्रॉयड एप्पल दोनों को ये सपोर्ट करता है, वायरलेस है, ये बात मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। तो मतलब कुछ कुछ फीचर आप ऊपर वाले मॉडल्स में आते हैं ना वो इसी में मिल जा रहे हैं, तो ये बात काफ़ी अच्छी है। लाइट से कंट्रोल यहाँ पे इस तरह से हैं, यहाँ पे आपके वाइपर से कंट्रोल हो गए, इधर आपको बटन मिल जाएगा सीएनजी टू पेट्रोल, पेट्रोल टू सीएनजी स्विच करने के लिए, ट्रैक्शन का बटन यहीं पे दे रखा है आपका, मैनुअल एसी हो गया, फोन रखने के लिए अच्छी स्पेसिंग है, नीचे आपको सॉकेट्स मिल जाते इस तरह से, 120 वॉट का यहाँ पे दे रखा है।
और हाँ कोई आर्मरेस्ट का ऑप्शन नहीं है, लेकिन कप होल्डर्स दे रखे हैं। और सीट्स की बात करें, अंदर सपोर्ट डिसेंट है, ठीक है, मतलब बहुत बेहतरीन नहीं, लेकिन बैक सपोर्ट अच्छा लगा मुझे इस कार का। हेडरेस्ट नहीं आते फ्रंट में, बैक में आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं, थोड़ा उल्टा हिसाब है, लेकिन ऐसे कोई बड़ा इशू भी नहीं है। ये अगर इनकी हाइट ऊँची हो तो हेड सपोर्ट इनमें भी बढ़िया मिल जाता है। हेडरूम स्पेस जैसे मैंने पहले ही कहा था, गाड़ी की हाइट ऊँची है तो अच्छा खासा हेडरूम स्पेस इस कार में आपको मिलेगा। और ग्लव बॉक्स डिसेंट अमाउंट में स्पेसिंग इसके अंदर आपको मिलती है। और चार स्पीकर इस कार के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो भले ही गाड़ी बाहर सीखने में बहुत बेसिक सी लग रही है नीचे का मॉडल, लेकिन जब इंटीरियर में आ रहे हो तो आपको थोड़े डैशबोर्ड जो है ऊपर वाली गाड़ियों का फील दिला देता है। मतलब आपको टच स्क्रीन मिल रही है, पूरा डिजिटल आपको स्पीडोमीटर मिल रहा है, माउंटेड कंट्रोल आपको मिल रहा है, तो अंदर बैठ के आप काफी हद तक सेटिस्फाई हो जाएंगे। और स्पेसिंग भी ठीक है, हाँ सीटिंग में जो कम्फर्ट है वो डिसेंट कहूंगा मैं, लेकिन हेडरूम स्पेस जो आपको यहाँ पे मिल रहा है अच्छा सा, और जो फीचर्स मिल रहे हैं उस हिसाब से मुझे काफी बढ़िया लगा अंदर। तो अगर आपकी रनिंग काफी ज्यादा है इस कार में, आप शहर में ट्रैफिक में बहुत फंसते हैं, या फिर आपके शहर में ट्रैफिक बहुत है, आपकी जर्नी काफी लंबी है, एक दिन में आप काफी लंबा ट्रैवल करते हो, तो एक CNG मॉडल आपके लिए बढ़िया है। और मेरे ख्याल से वैल्यू फॉर मनी भी है, क्योंकि अगर इस मॉडल की बात करें तो इसकी कॉस्टिंग आपको 8,70,000 रुपए तक ऑन द रोड पड़ जाएगी लगभग लगभग, मतलब कोई भी स्टेट में हो, मतलब इतना प्राइस आप लेके चलो इस CNG मॉडल का आपको पड़ेगा। अगर आप पेट्रोल लोगे तो वो आपको CNG से सस्ती पड़ जाती है, लेकिन CNG में आपको माइलेज अच्छा खासा मिल जाता है। और इस मॉडल में आपको सनरूफ नहीं मिलता, आप चाहते हो अगर सनरूफ वाला मॉडल तो वो आपको नीचे के मॉडल्स में तो नहीं मिलेगा। अगर आप SX मॉडल में जाओगे जो कि इससे एक दो मॉडल ऊपर है, तो वहां पर आपको सनरूफ मिल जाएगी। उसमें आपको सीट में हाइट एडजस्टमेंट का भी फंक्शन मिल जाता है। इसमें सीट को आप आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन ऊपर नीचे अपनी हाइट के अनुसार एडजस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब पीछे की सीट में देखेंगे तो ये देखो पीछे की सीट इस तरह से, इसमें क्या था, पीछे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं और सीट्स का एंगल भी अच्छा है, तो बैक सपोर्ट यहाँ पे आपको बढ़िया मिल जाएगा। हाँ लेकिन अगर अंदर सपोर्ट की बात करें तो वो यहाँ पे भी आपको डिसेंट ही मिलता है। बैठ के दिखाऊँ आपको तो अब ये चेक कर सकते हो, अंदर सपोर्ट डिसेंट है, लेकिन ये सीट ना अंदर की तरफ कुछ ज्यादा गई है, तो आपके ये जो कह सकते हिप्स को अच्छे से होल्ड करते हैं। तो अगर आप इस कार को शहर के अंदर के साथ देखें, शहर के अंदर ये गाड़ी चलेगी तो आपको एक अच्छा कंफर्ट मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बैक सपोर्ट अच्छा है, हेड सपोर्ट अच्छा है, हेडरूम स्पेस बढ़िया है, अंदर सपोर्ट डिसेंट मिल जाता है, और लेगरूम स्पेस तो काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। पॉकेट्स मिल जाएंगे आपको दोनों सीट के पीछे, पीछे आपको AC वेंट्स भी मिल जाते हैं, और ये 12 वोल्ट का जो सॉकेट है ये मिल जाएगा आपको यहाँ पर। तो ओवरऑल देखा जाए, अगर आप एक छोटी गाड़ी चाह रहे हो CNG मिल जाए, थोड़ा सा मतलब स्पेसिंग वेसिंग बढ़िया हो, ठीक है, फीचर्स भी ठीक ठाक थोड़े बहुत मिल जाएं इसमें, तो ये आपके लिए मेरे ख्याल से अच्छी चॉइस बन सकती है। CNG लेने में बस यही फायदा है कि आपको जरा माइलेज अच्छा मिल जाता है, आपकी ड्राइविंग रेंज जो है वो बढ़ जाती है। तो जिन लोग कहते हैं हमारा पेट्रोल में बहुत खर्चा हो जाता है यार, शहर में तो ट्रैफिक है, इतना तेल कहाँ से, तो CNG मॉडल आपके लिए बढ़िया साबित हो सकता है। नहीं तो अगर आप पेट्रोल मॉडल लोगे तो वो तो आपको इससे काफ़ी सस्ता पड़ जाएगा। आपको क्या लगता है CNG मॉडल के बारे में, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, कैसे लगी ये एक्सटर, क्या खामी है, क्या आपको क्या लगता है इसके बारे में, कितना माइलेज आपको मिल रहा है, ये सब हमें ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत जल्द मिलते हैं आपको ऐसी ऑनी गाड़ियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।